हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज ना मैं बहुत 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 ही ज़्यादा लेट उठी हूँ। लाइक 4 बज गए मुझे उठते उठते। बीच में मुझे फ़ोन भी आए थे एक दो, मैंने बस साइलेंट पर लगा के सो गई। सुबह भी 10 बजे अनन्या का फ़ोन आया था, 5 बजे अनन्या के साथ DLF जाना था, बट सुबह मैंने उसको बोला अनन्या यार मैं सुबह सोई हूँ तो चली जा, तो कहती चलो ठीक है बाद में मिलेंगे इसी दिन। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार चली जाती, इतना अच्छा आज इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम आपको दिखाती हूँ। हवा चल रही है कितनी अच्छी, और शायद बारिश भी आई है दोपहर, पता नहीं ऐसे पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और मैंने लोगों की स्टोरीज, स्नैप स्टोरीज देखी है बारिश की दिल्ली में ही, तो फिर बारिश भी आई है, मुझे पता ही नहीं, मैं आराम से सो रही थी। सो मैंने वैसे खाना खा लिया, मैं अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं व्लॉग में करूँगी क्या, मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं व्लॉग में दिखाऊँगी क्या, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। बट मैंने सोचा है कि नहीं, कुछ भी होगा जो भी है, मैं दिन में बस ऐसी फालतू बातें ही करती रहूँगी, बट मैं बनाया करूँगी व्लॉग। सो बस अभी मैंने जो रात को दाल और राइस बनाए थे वो मैंने खा लिए है, और अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर मैं नहा धो के तैयार होती हूँ, वीडियोज़ बनानी है, वीडियोज़ कल वाली पेंडिंग है, अभी तक मैंने बनाई नहीं है। और यार मेरा स्केड्यूल पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है, मैं क्या ही बताऊँ, मैं खुद परेशान हूँ उससे, बट कोई नहीं, चलो चाय पी के फिर मिलते हैं। गाइस मैंने कल कुछ कमेंट्स देखे थे कि जैसे अगर आप कहीं जाते हो तो रिची को खाना वगैरह कौन देता है और घुमाने कौन लेके जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हम ज़्यादा देर के लिए जाते हैं तो हम उसको पैगी के पास छोड़ जाते हैं, और अगर हम 2-3 घंटे या एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, लाइक मतलब थोड़े टाइम के लिए, तो हम लोग उसको घर में ही छोड़ के जाते हैं, तो हम लोग उसको खाना वगैरह खिला के घुमा फिरा के फिर ही आते हैं। और बाय और उसके साथ में हम लोग लस्सी वगैरह भी डाल के जाते हैं, तो इससे इसको ठीक रहता है और थोड़े टाइम तक ये भूखा रह सकता है। लाइक अगर हम सुबह इसको 12 बजे तक खाना डाल के जा रहे हैं और रात को अगर 8-9 बजे तक आ रहे हैं, तो हम आते ही सबसे पहले यही काम करते हैं कि इसको घुमा के लाते हैं, फिर इसको खाना डालते हैं, यही हमारा सबसे पहला काम होता है। और बाकी अगर ज़्यादा देर के लिए जाना होता है तो हम उसको पैगी के पास छोड़ जाते हैं। और अभी ये रहे हमारे मेरा बच्चा बहुत प्यार है। अरे क्या करता है रिचू, क्या करता है तू, कितनी प्यारी है। गाइस फ़ायदा हो गया, जो कल मैंने सफाई करी ना, मुझे कोई सफाई नहीं करनी पड़ रही है। आज मैं बस अभी उठी हूँ, झाड़ू मार दूँगी, बस काम ख़त्म हो जाएगा, पूरा साफ़ है आज घर क्योंकि रात को जो इसने फैलाया था ना चावल वगैरह, वो मैंने साथ ही साफ़ कर दिए थे। तो कैसे देख रहा है पता है जब मैं सुबह उठती हूँ ना, लाइक कभी भी जब भी मैं उठती हूँ तो रिची मेरे पास ऐसे भागता हुआ आता और ऐसे मिलता जैसे सालों के बाद मिल रहे हो, बहुत प्यार करता है। अगर आपको वो भी देखना होगा ना, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत प्यार करता है, सिर्फ मेरे साथ करता है, अभिषेक के साथ नहीं करता। अभिषेक उठता है, उसको उठते साथ ही कहेगा मुझे घुमाने के लिए लेके जाए, तो क्या कर रहा है लेकिन मेरे से इतना मिलता है ना जब मैं उठती हूँ उसको। इसको मैंने सिखाया, मैं मतलब क्या करती थी, जब मैं उठती थी ना इसको मैं खुद से बुलाती थी, रिची पारी कर। फिर इसको हैबिट पड़ गई है, खुद से आता है और मुझसे प्यार करता है। क्या कह रहा है, कभी कभार तो उससे बेड से ही चढ़ जाता है, मुझे कह रहा है बेड पर चढ़ा, गधा है ये, छोटा सा बेबी। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है रिची आज, है ना, अच्छा हो रहा है ना। हाँ आ जा, गुस्सा कर दे इनको, गुस्सा कर दे रिची, कर दे गुस्सा, ले आई गया, रुको मैं गुस्सा करवा के दिखाती हूँ। रिची इधर आ, ओए इधर आओ, गुस्सा कर दो, क्या ढूंढ रहे हैं, बेइज्जती कराता है ये हमेशा मेरी। ओए मोटू, ये क्या था, मोटू चिज्जी खानी है, गुस्सा कर दे फिर इनको। हाँ गुड बॉय, गुस्सा कर देता है ये, इस पंगे नहीं लेने। ओके गाइस मैंने नहा लिया है और अभी बज रहे हैं 8:15 रात के, और मैं इसी टाइम नहाती हूँ बिकॉज इस टाइम ना पानी थोड़ा ठंडा आता है, दोपहर के टाइम तो बहुत गर्म आता है, तो मैं दोपहर को नहाना स्किप करती हूँ, शाम को ही नहाती हूँ 6 बजे के बाद। अगर कहीं जाना हो तो बात अलग है। और आज मैंने सूट डाला है क्योंकि मेरा सूट डालने का मन कर रहा था, वैसे ही मेरे पास 2-3 ही सूट हैं और वो भी ना इतने अच्छे नहीं है, तो मैंने सोचा घर में डाल लिया करूँ कभी कभार। और मैंने रिची को भी घुमा दिया है, रिची देखो घूम थक गया
और खाने में भी आज कल की दाल रखी हुई है और मैं साथ में परांठी बना लूँगी और सुबह के लिए आलू बॉईल कर लूँगी, नहीं तो पनीर बना दूँगी अभिषेक को। और मेरे को ना पार्सल रिसीव हुआ है अमेज़ॉन से, मैंने रिंग्स मंगवाई थी, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, तो चलो साथ में ही ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी है। आर्टिफिशियल गोल्ड रिंग नहीं होती हैं जो, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मैं रिंग्स कम ही डालती हूँ, वैसे मुझे पसंद है डालना बट मैं पहन नहीं पाती हूँ। लाइक मैं, मेरे को शौक बहुत है, रिंग्स का बहुत शौक है और ईयर रिंग्स का बहुत शौक है, बट मैंने ना तीन वो करवाई हुई हैं पियर्सिंग, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बट मैं एक भी जगह नहीं पहनती क्योंकि मुझसे पहने ही नहीं जाते हैं, जब कहीं जाना होता है तो पहन लेती हूँ ऐसे ही। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ क्या, कुछ ऐसी पैकेजिंग आई है इसकी, शाइनिंग दीवा फैशन, ये 13 रिंग्स का सेट था। ओके ऐसा कुछ आया, सबसे पहले तो मैं इसको छोड़ के इसी को ही ऐसे करने वाली हूँ, इसे बहुत मज़ा आता है। रिंग्स देखते हैं, ओह वाह अच्छी है, 13 रिंग्स का सेट है और खोल के देखते हैं आप, बस फिट भी हो जाए मुझे क्योंकि इसमें कुछ साइज नहीं था, फ्री साइज थी ये, हैवी भी है थोड़ी थोड़ी, मतलब अच्छी क्वालिटी लग रही है, हाँ क्वालिटी अच्छी है। ये देखो, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ, अच्छी है यार, नॉट बैड, मतलब प्राइस के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, शायद इससे सस्ता भी आ सकता हो, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी रिंग्स का लिया नहीं है कुछ भी। मैं यहाँ साइड पे ना पिक्चर भी शो करूँगी कि ये कैसी दिखती थी और कैसी आई है मुझे, ये कितनी प्यारी है देखो, अगर ये सारे गोल्ड्स की होती तो कितना अच्छा लगता ना, पहन के देखते हैं। ये साइज तो बहुत ही बड़ा है, तो मेरे थंब में भी नहीं आएगा लग रहा है, हाँ थंब में भी लूज है मुझे रिची। देखते हो जो आती है वो पहन के दिखाती हूँ। एक आ गया गाइस, मुझे सिर्फ एक ही रिंग फिट हुई है, ये वाली, मतलब बिल्कुल फिट जिसे कहते हैं, बाकी की सारी जितनी भी हैं वो लूज़ ही हैं, लाइक थंब में भी लूज़ है, ये इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स है ना, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट का भी वो कुछ है ही नहीं कि हम उसको छोटी बड़ी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो मैं एक रिंग के लिए इतने पैसे तो नहीं खर्चने वाली हूँ, ये रिटर्न ही जाएगी, पता नहीं रिटर्न होती कि नहीं होती, मैंने चेक नहीं किया था, तो अगर हो जाएगी तो बढ़िया है वरना ये मेरे किसी काम की नहीं है। देखो ये मेरे को इधर भी लूज़ है, देखो कितनी लूज़ है, थंब में भी लूज़ है, क्या करूँगी मैं एक रिंग का। बाकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और दिखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत गायब मत हो जाना, वापस करना है। देखो बहुत सुंदर लग रही हैं, अगर आपकी फिंगर्स पतली नहीं है, मतलब मोटी मोटी हैं तो आपको ये फिट हो जाएंगी, और नहीं अगर मेरे जैसी हैं तो मत लेना, बेकार है, फिट ही नहीं होगी, छोटी बड़ी भी नहीं कर सकते यार इसको, इसको वापस वैसे ही पैक कर देते हैं क्योंकि ये रिटर्न ही होगी। गाइस रिंग के साथ तो पोपट हो गया, मेरे साइज़ की नहीं निकली, बट कोई नहीं, अगर आपके साइज़ की आपको लगता है आपको फिट हो जाएंगी आपकी रिंग फिंगर्स में तो आप मंगवा सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं है, 269 रुपीज़ की थी ये, और क्वालिटी बहुत अच्छी है और वैसे भी सुंदर लग रही थी पहनी हुई, मतलब अगर फिट होगी तो बहुत सुंदर लगेगी, और बस अब तो ये रिटर्न हो गया, मतलब इसमें थी रिटर्न और रिप्लेस पॉलिसी तो मैंने रिटर्न में डाल दिया इसको, और अब मैं बस रिची को खाना डालने लगी हूँ, रिची का खाना बनाना है और डालना है, रिची का नाम लिया तो सुन रहा है कैसे, और नीचे हो हो, मैंने ना इसको भी घुमा के आई हूँ ऊपर तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे जैसे बारिश बारिश आई है ना तो नीचे सारा चिक्कड़ हो रहा था और ये सारा गंदा हुआ पड़ा है और ऐसे ही बेड पे चढ़ गया है, देखना इसको लग रहा है इसने कुछ गलत कर दिया, हो ये देखो कितना गंदा हो रहा है, ऐसे ही बेड पे चढ़ गया, देखो डर गया डर गया, हो ओए 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 क्या हुआ इतना डर, हो रिची ये क्या है हरकतें हैं, ये क्या है, डर क्यों रहा है, क्यों डर रहा है, ऐसे डर रहा है जैसे पता नहीं क्या तोड़ दिया हो कुछ तूने, ये इसको कुछ भी कहो ना नॉर्मली भी बैठा होगा ना इसको कह दो हो रिची क्या कर दिया, साथ ही डर जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे करता है, क्या हुआ है, पकड़ो 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 रिची को, पकड़ो रिची को, पकड़ो रिची को, बॉटल ले, ये देखो दिन नाटक करता है, सारे नाटक है इसके, देखो देखा कैसे नाटक करता है ये, अभी देखना इसको, फिर डर आऊं क्या किया रिची, हो ये देखो क्या किया तूने, पता है क्या किया है, कैसे हो जाता है रिची, क्या हो गया है, गुस्सा करेगा, कुछ नहीं किया तूने।
मैंने खाना बना लिया, रिचू को भी खाना डाल दिया और मैं खा रूँ रोटी में जैम लगाकर। बाकी जब अभिषेक आएगा फिर साथ में खाएंगे। और अभी 9 बज गया और लेट हो गया रिचू को खाना देते देते। रिचू कैसे देख रहा है मुझे देखो। ब्रेड जैम नहीं खानी, ओ सॉरी रोटी जैम। अब बस मैं खा के थोड़ा सा रेडी होके 2-3 वीडियोस बना लूँगी, फिर बस दिन ख़त्म। मेरा दिन ऐसे ही चला जाता है। आप लोग ना मुझे एक मिनट, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं अभिषेक पे क्या प्रैंक वीडियो करूँ। मतलब मुझे ना प्रैंक वीडियो करना है उसके ऊपर, बट जो प्रैंक लगे, लाइक वो नकली वाला प्रैंक नहीं करना, असली वाला प्रैंक करना है। तो थोड़ा सा आइडिया दो मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे करना है यार। मतलब मेरे से रिलेटेड या रिची से रिलेटेड कुछ भी जो माइंड में आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और मैं आप सीधा मिलती हूँ रात को जब अभिषेक आएगा। गाइस देखो ये मुझे कैसे बता रहा है कि इसने जाना नीचे। हाँ जी क्या हुआ है, बताओ क्या कह रहे थे बताओ। क्या मैं देख के चुप कर गया, बताओ कुछ बोल रहे थे, जाना है घूमी जाना है। कितना गंदा है। हाँ जाना है। अच्छा उसके लिए आइसक्रीम लेके आया? नहीं अमूल की नहीं मिली, इसके लिए नहीं लेके आया। तो फिर इसको क्यों बोल रहा है? अच्छा दूसरे जिज्जी। ले ऊपर चढ़ के खाएगा। खा ली उसने, खा भी ली। बड़ी स्पीड मारता है, तेरे को भी इंतजाम की चीज है कोई नहीं है। तुम आज खा के क्या करेगा, बंदे आते तो ही नहीं मेरे। अरे ओके गाइस बाय, गुड नाइट।